तो बिंदा चा, आप जो मधुसूदन का किरदार निभा रहे हैं, ये किरदार निभाकर आपको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस लग रहा है? ये देखिए, हमें तो कला दिखाना काम है, जी श्रोता समाज समझेंगे कैसा पद निभा रहे हैं, बढ़िया लग रहा है या नहीं लग रहा है, ताकि आगे चल के हम लोग सभी कलाकार के तत्वधान में हम लोग चयनित होंगे। मतलब आपका काम है एक्टिंग करना और एक्टिंग का जज करना दर्शकों का काम है। यस यस तो आपने सही बोला, क्योंकि अगर अपना प्रशंसा आप खुद करने लगेंगे कि हम अच्छा एक्टिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नहीं यह नहीं अच्छा बात नहीं है। तो एक्टिंग का जो परख है वो दर्शक करेंगे। सही जी बात जी आपने बोले। अच्छा, यहाँ के लोकेशन के बारे में बताया, यहाँ कैसा लोकेशन लगा? और यहाँ पे लोकेशन तो बहुत अच्छा लग रहा है, और जैसे हम लोग शूट कर रहे हैं उन हिसाब से ऐसा ही जगह पर शूटिंग किया जाता है। मतलब आपके अनुसार यह जो शूट हो रहा है, यह शूट करने के लिए परफेक्ट लोकेशन है। जी, तो देख सकते हैं, हमारे बीच एक और कांस्टेबल उपस्थित हो चुके हैं जो कि यहाँ के लोकल है। अच्छा, आप एक्टिंग के क्षेत्र में, आपका मतलब पहले से एक्टिंग करते आ रहे हैं कि आप नए नए हैं? नए 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 हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये एक्टिंग के क्षेत्र में नए नए हैं और इनको कांस्टेबल का रोल निभाने के लिए मिला है। तो आपको ये रोल निभाकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा प्रोग्रेस देंगे तो जी फिर आगे हम लोग का मौका मिलेगा जी दोबारा, इसीलिए हम लोग लगन मेहनत से अपना परफेक्ट जो भी है रोल दिया गया है हम लोग निभा रहे हैं। जी अच्छा, आपका क्या नाम पड़ा? रजनीश कुमार सिंह, अच्छा, इस फिल्म में आप किस भूमिका में नज़र आने वाले हैं? नरेश मांझी, नरेश जी मांझी का इनका रोल है जो कि ये निभा रहे हैं, और बहुत अच्छा से निभा रहे हैं क्योंकि ये कभी एक्टिंग किए नहीं है। ये इनका शुरू, मतलब ये प्रथम इनका है, और बहुत अच्छा मतलब अभिनय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर बच्चे लोग भी आए हुए हैं इस शूट को देखने के लिए। देख सकते हैं कोई बच्चा लोग हत्ता होता पर चढ़ गया है और पूरा एंजॉय ले रहा है, देख सकते हैं। और यहाँ पर थाना बनाया गया है, मदनपुर थाना, जो कि आप देख सकते हैं, और वहाँ पर पुलिस का वाहन लगी हुई है, और बहुत ही अच्छा यहाँ का दृश्य है। और यहाँ के लोगों का भी सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, लोग हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी चीज़ हम लोग को घट रहा है वे लोग उपलब्ध करा दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों, आप सबों को हामिद सर का नमस्कार। आज फिर हम लोग फिल्म बाज इन बिहार की जो आज की शूटिंग है, उस सिलसिले में हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। आज एक फिल्म, इस फिल्म का एक सीन है जो फिल्माना है। मदनपुर बिहार में एक जगह है जहाँ के थाना में हम लोग ये सीन करने वाले हैं, यहीं पे लोकेशन बनाया गया है, और तमाम कलाकार यहाँ पे अपने अपने हिसाब से रेडी हो रहे हैं। और एक बार फिर से मैं आपको कह दूं कि ये सीन को देखने के बाद लग रहा है कि जो इस तरह से तैयारी हो रही है, आप इस बिल्डिंग को, इसके बाद आपको दिखलाया जाएगा, इसको एकदम बिल्कुल अलग बिल्डिंग है ये, और इसको थाना बनाया गया है। यानी कि जो इसके प्रोडक्शन वाले जो लोगों ने जो इसके इसकी तैयारी की है वो बहुत लाजवाब है। और हम समझते हैं कि ये फिल्म का सिलसिला चलता रहे यूं ही, ये शूटिंग कंप्लीट हो जाए, हम कुछ दिन के बाद और बाकी है, उसके बाद ये अच्छी फिल्म पलामू के शहर में, डाल्टनगंज शहर में बेहतरीन फिल्म देखने को मिलेगी लोगों को। बाज इन बिहार, ये आप मेरा किरदार इंस्पेक्टर का है जो मदनपुर का थाना इंचार्ज है, और इसमें मैं यही कह सकता हूँ कि जो फिल्म जो निर्देशक हैं प्रवीण तिवारी, बहुत नौजवान हैं, इस उम्र में भी इन्होंने काम को शुरू किया है, और ये फिल्म को जिस तरह से वो बना रहे हैं, ये लग रहा है कि आने वाले वक्त में एक अच्छा डायरेक्टर निश्चित रूप से पलामू प्रमंडल के साथ साथ झारखंड लेवल पर, और वो दिन दूर नहीं होगा अगर ये कंटिन्यू किए, इनके पास जो सोच है और विज़न है, क्योंकि तो जो हमारे पास काम करने का तजुर्बा है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, उसे ये लगता है कि मुंबई की सरजमीन पर भी ये फिल्म बनाने में कामयाब होंगे, एक वक्त ऐसा आएगा। और पूरे देशवासियों के लिए एक बहुत ही मतलब होनहार जब सोच वाला जब डायरेक्टर मिलता है देश को, तो सबको खुशी होती है। तो मैं ये आशा करता हूँ, हमारी शुभकामनाएं हैं इनके साथ, और तमाम कलाकार जो यहाँ पे काम कर रहे हैं,
सब लोगों ने इसमें अभी तक बहुत अच्छा काम किया है। आप सबके काम को देखने के बाद आपको लगेगा कि ये लोकेशन, सिचुएशन और ड्रेस वगैरह की जो इसकी तैयारी पूरी हुई है वो बहुत उम्दा तरीके से हुई है, और तमाम लोगों ने इसीलिए और टीम वर्क जो आपको जो दिखेगा, क्योंकि प्रोडक्शन जो टीम है वो अपने सारे कलाकारों का एकदम बेहतरीन तरीके से ख्याल रख रहे हैं। मैं यहाँ से बता दूँ पहले कि अभी एक बहुत दिन, कुछ ही दिन पहले की बात है, जो फिल्म करने आए थे अर्जुन रामपाल जी, वो उसको निर्देशित किया था शैलेश वर्मा जी ने। वो एक बहुत बड़ी फिल्म यहाँ के लिए, मैं कहूँगा निश्चित रूप से कि बड़े कास्ट के रूप में बहुत बड़ी फिल्म यहाँ बन रही थी, जो दुर्भाग्य से अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। तो उन यूनिट के साथ भी काम करने का मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है, उसके हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि ये कम बजट की फिल्म बन रही है, लेकिन इसका जो कहानी, इसकी जो कहानी है, इसके जो पात्रों का चयन है, और जो फिल्म जिस तरह से ये बन के सामने अभी तक जितना आई है, उससे मतलब ये कम संसाधनों में भी ये बड़ी फिल्म बन सकती है, इसका निश्चित रूप से ये प्रमाण अपने आप को प्रस्तुत करने जा रहा है ये फिल्म। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे देखा, और मैं ये आपसे गुजारिश करूंगा कि जब बाज़ इन बिहार जब फिल्म रिलीज़ हो, उस वक्त तक हम आशा करते हैं कि डाल्टनगंज में तो खैर अभी कोई सिनेमा हॉल नहीं है, लेकिन जब यहाँ ये उम्मीद है कि शायद मोहन सिनेमा हॉल जो बन रहा है तो वो कम्प्लीट हो जाए, तो आप लोगों को यहाँ भी देखने का मौका मिलेगा। वैसे पूरे बिहार में कई जगह पर इनके प्रोड्यूसरों ने तैयारी कर ली है, फिल्म वालों से बात भी कर ली है, और अच्छे लायजे के तहत जो सिस्टमेटिक तरीके से जो कद एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक जो चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है, वो सारे काम में ये कर रहे हैं। अभी से ही उनकी नज़र सब पर है, क्योंकि हॉल का मिल जाना बहुत बड़ी बात होती है, और हॉल वाले को एक अच्छी फिल्म जब तक नहीं मिलेगी तब तक वो फिल्म को कंटिन्यू नहीं करेंगे, चाहे किसी भी शर्त के तहत आप मनवा लीजिए। जब फिल्म अच्छी होती है तभी पर्दे पर आती है, और पर्दे पर आने के बाद उसकी क्वालिटी उस दिन नज़र आती है जब पर्दे पर तो आ गई, लेकिन पर्दे पर वो कितना दिन तक मार्केट में टिक पाती है, दर्शकों को कितना अपने तरफ खींच पाती है, तब जाके उसकी सही कामयाबी का हम कहते हैं कामयाब माना जाएगा वो। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग की भी दुआएं हम लोग के साथ रहेगी। जय हिंद। तो देख सकते हैं दोस्तों, अभी हम लोग को शूटिंग करते करते शाम हो चुका है, और अभी हम लोग बैठे हुए हैं, और देख सकते हैं हमारे साथ मधुसूदन जी भी है, जो कि रिलैक्स मूड में बैठे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का शूट आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोग भी इंजॉय किए होंगे। तो ठीक है दोस्तों, अभी शाम होने वाला है और ऐसे नाइट का भी सीन है, तो देखते हैं क्या होता है। तो बस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।